नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अपना टॉपिक GD&T, जिसमें हमारा मेन एजेंडा रहेगा कि पोजीशन और कॉन्सेंट्रिसिटी के क्या होती है और उनको उनका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे उनको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि पोजीशन क्या होती है। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। इन GD&T पोजीशन इज ए वर्सेटाइल टॉलरेंस। वर्सेटाइल का मतलब है दोस्तों चेंजेबल, यानी कि चेंज होने वाला, अस्थिर। वर्सेटाइल टॉलरेंस दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल लोकेशन, जो कि कंट्रोल एक वर्सेटाइल टॉलरेंस है जो कि लोकेशन, ओरिएंटेशन और एक्सिस को कंट्रोल करता है किसी पार्ट के फीचर को। ठीक है, पोजीशन क्या होता है? पोजीशन एक टॉलरेंस है जो कि लोकेशन को, ओरिएंटेशन को और एक्सिस को कंट्रोल करता है बाय इट्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इसका सिंबल होता है ये। ठीक है, इस तरीके का पोजीशन का सिंबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों फीचर कंट्रोल फ्रेम और डेटम। दोस्तों फीचर कंट्रोल फ्रेम और डेटम क्या होता है, इसको हमने पार्ट वन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है डिटेल में अच्छे से। आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट वन जरूर देखें, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस के कितने सिंबल्स हैं और उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और पार्ट के फीचर कौन कौन से हैं, ड्राइंग में आपको किस प्रकार से दिए हुए मिलेंगे, ऑलरेडी सब कुछ हमने डिटेल में पार्ट वन में डिस्कस कर लिया है। अब शुरू करते हैं कि पोजीशन फॉर्मूला क्या है। मेन टॉपिक अपना है पोजीशन फॉर्मूला। ठीक है, पोजीशन फॉर्मूला को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक टर्म समझाना चाहूँगा जो कि पोजीशन से काफ़ी मिलता जुलता टर्म है, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एज पर फिजिक्स डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सपोज करो आपकी इनिशियल पोजीशन यानी कि अभी यहाँ पे हो, आप 15 मीटर इधर चले गए, फिर 10 मीटर आप इधर आए, फिर 15 मीटर इधर गए, फिर 5 मीटर आप ऊपर गए। ठीक है, तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 45 मीटर। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ है? ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। पहले आप यहाँ थे, अब आप यहाँ हैं, तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हो गई ये हो गई, ये आपकी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में, इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में, तो पोजीशन क्या होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द चेंज इन पोजीशन बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, सपोज तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हो जाएगा चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एक्स एफ। एक्स नॉट क्या हो जाएगा? इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। चलिए डायग्राम की सहायता से हम समझते हैं। मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ठीक है, इसकी एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे है, यानी कि इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है। ठीक है, सेंटर यहाँ पे, तो पोजीशन भी यहीं पे होगी। जब आपने इसको मेजरमेंट किया तो इसका सेंटर आ गया यहाँ पे, यानी कि इसकी सर्कल की जो पोजीशन आ गई वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो जो चेंज हो गई पोजीशन, यानी कि इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन जो चेंज हो गई यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये आपकी क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये पोजीशन से काफ़ी मिलती जुलती टर्म है, हालांकि हम इंडस्ट्री में पोजीशन को ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये था आपको समझाने के लिए था, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, अब जो अपना मेन टॉपिक है पोजीशन फॉर्मूला। पोजीशन फॉर्मूला क्या होता है? 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर, जहाँ पर एक्स और वाई वन जो है ये अपना एक्चुअल कोऑर्डिनेट है या फाइनल कोऑर्डिनेट कह सकते हो। ठीक है, और एक्स और वाई क्या है? ये आपके इनिशियल कोऑर्डिनेट है, यानी नॉमिनल कोऑर्डिनेट जो कि आपको ड्राइंग में दिया हुआ मिलता है। ठीक है, वो होता है नॉमिनल कोऑर्डिनेट। अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। दोस्तों जो ये एग्जाम्पल लिया गया है ये किसी कंपोनेंट की एक्चुअल CMM रिपोर्ट है। ठीक है, तो सिर्फ मैंने यहाँ पर टॉलरेंस को चेंज कर दिया है, बाकी सारा कुछ एज इट इज है। ठीक, किसी भी CMM रिपोर्ट जब आप स्टडी करते हो तो वहाँ पर सबसे पहले आपको जॉब नंबर या मेमोरी नंबर दिया हुआ मिलेगा। इसका मतलब होता है कि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, सर्कल पोजीशन डायमीटर की या प्लेन पोजीशन या डिस्टेंस, जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो वो आपका जॉब नंबर या मेमोरी नंबर में दिया हुआ मिलता है। ठीक है, उसके बाद नॉमिनल कोऑर्डिनेट एज पर ड्राइंग दिया हुआ होता है, क्योंकि सारा प्रोग्राम जो है वो एज पर ड्राइंग ही बनता है। ठीक है, तो नॉमिनल कोऑर्डिनेट दिया हुआ मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक कॉलम में दिया हुआ मिलता है टॉलरेंस, जो कि एज पर ड्राइंग टॉलरेंस, जो ड्राइंग में टॉलरेंस दी होती है वो। उसके बाद एक्चुअल कोऑर्डिनेट,
नॉमिनल कोऑर्डिनेट के अगेंस्ट में एक्चुअल कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है वो दिया हुआ होता है। दूसरा उसके बाद दिया मिलता है डेविएशन, यानी कि डिफरेंस, यानी कि इसके अगेंस्ट में इतना आ रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओवरसाइज या अंडरसाइज दिया हुआ मिलता है, यानी कि टॉलरेंस से जितना बाहर है वो आपको यहाँ दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको CMM रिपोर्ट आपको स्टडी करनी आनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर सकती है CM रिपोर्ट, CMM टू CM अलग अलग CM की अलग अलग तरीके से निकल सकती है, लेकिन फीचर सारे यही मिलेंगे आपको, नॉमिनल, टॉलरेंस, एक्चुअल, डेविएशन और ओवरसाइज, ठीक है। आपको पता होना चाहिए नॉमिनल का मतलब क्या होता है, टॉलरेंस क्या होती है और एक्चुअल क्या आ रहा है, आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए तो आप CMM रिपोर्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर पोजिशन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट यहाँ पर जेड और एक्स में दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, जेड माइनस जेड वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर दोनों का, ठीक है। ये पोजिशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जहाँ पर जेड और एक्स है दोस्तों, जेड जो और जेड वन जो है ये नॉमिनल और एक्चुअल है, जेड क्या है नॉमिनल कोऑर्डिनेट और जेड वन क्या है एक्चुअल कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसी तरह एक्स क्या है नॉमिनल कोऑर्डिनेट और एक्स वन क्या है एक्चुअल कोऑर्डिनेट, ठीक है। नॉमिनल कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे और एक्चुअल कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले में ये कोऑर्डिनेट पुट करते हैं इनकी वैल्यू, ठीक है। जेड की जगह 21.4 नॉमिनल कोऑर्डिनेट माइनस जेड वन, जेड वन जो है 21.437 एक्चुअल कोऑर्डिनेट आया दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस फिर प्लस फिर एक्स माइनस एक्स वन 0 0, क्योंकि एक्स का जो नॉमिनल कोऑर्डिनेट है वो हमारा 0 0 है तो 0 0 पुट कर दिया, माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो एक्स वन कितना आया एक्चुअल 0.063, ठीक है। तो माइनस 0.063 का होल स्क्वायर। अब यहाँ तक होने के बाद में पढ़ा होगा 10th मैथमेटिक्स में, इनको स्टेप टू स्टेप वाइज सोल्व करते चले जाओ, ठीक है। अब इनको माइनस करो, 21.4 में से 21.437 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 0.037 इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस एज इट इज। फिर 0 में से 0.063 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.063 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का होल स्क्वायर का इन दोनों को फिर आगे सोल्व करो, आप किसी भी संख्या का माइनस का स्क्वायर को सोल्व करते हो तो वो संख्या एज पर मैथमेटिक्स आपको पता होगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो माइनस और माइनस प्लस हो गई, ठीक है। तो 0.037 का स्क्वायर कितना आ गया, 0.0013, ठीक है। प्लस इसी तरह 0.063 का स्क्वायर कितना आ गया, 0.0039। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आया, 0.0052। अभी इस पे मत जाओ, ये क्या है इसको मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। इतना ऐड करने के बाद कितना आया, 0.0052। अब 0.0052 का अंडर रूट कैलकुलेट करो तो ये आएगा आपका 0.0721। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितना आया आपका 0.144। यानी कि ये आपकी जो हमने पोजीशन फॉर्मूला अप्लाई किया तो जो ये एक्चुअल पोजीशन है हमारी ये आ गई आपकी, ठीक है, 0.144। अब इसको कंपेयर करते हैं CMM से, CM की जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये है, ठीक है। ये एक्चुअल पोजीशन आई 0.146, ठीक है। सिर्फ 2 माइक्रोन का वेरिएशन है, 2 माइक्रोन का वेरिएशन इसलिए है क्योंकि हमने जो ये पॉइंट के बाद जो सॉल्यूशन किया है वो हमने सिर्फ पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिया है और CM जो है वो एक्चुअल डिजिट लेती है, इसलिए ये यहाँ पर 2 माइक्रोन का डिफरेंस है जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये आपको पोजीशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब वापस चलते हैं CM रिपोर्ट पे, ठीक है। ये हमारी CM रिपोर्ट है दोस्तों, काफ़ी डाउट होते हैं CM रिपोर्ट के ऊपर बारे, तो डाउट क्या है क्लियर करते हैं। सबसे पहला डाउट, लोग अभी आप CM रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन जो है वो NG आ रही है पार्ट, यानी कि इसमें करेक्शन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो लोग पूछते हैं कि करेक्शन तो करना है लेकिन जो ये नॉमिनल जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इनकी टॉलरेंस कितनी होती है प्लस माइनस। तो सबसे पहली बात कि जो ये नॉमिनल जो कोऑर्डिनेट दिया होता है इसकी कोई टॉलरेंस नहीं होती है, ठीक है। आप जितना एक्चुअल कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, आप जितना नॉमिनल के करीब जाओगे, ठीक है, उतनी पोजिशन आपकी एक्यूरेट आएगी, ठीक है। अब जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये 0.1 की टॉलरेंस एक्चुअल टॉलरेंस नहीं है, इसकी मैं एक्चुअल टॉलरेंस में बता दूं तो एक्चुअल टॉलरेंस है इसकी 0.1 की जगह 0.3, ठीक है। अब आप अगर देखोगे, अगर हम इसकी एक्चुअल टॉलरेंस अप्लाई करते हैं 0.3 तो हमारी पोजीशन कितनी आ रही है, 0.146 mm, ठीक है, यानी कि 146 माइक्रोन। तो हमारी ओवरसाइज तो कुछ आएगी नहीं, 0.0 ओवरसाइज आएगी, यानी कि टॉलरेंस के अंदर ही है, तो इसमें करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब चाहे हमारा कोऑर्डिनेट 21.437 जगह 21.48 भी आ जाए
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे एज पर फॉर्मूला के हिसाब से तो भी हमारी 0.3 के अंडर में रहेगी पोजीशन, डायरेक्शन तो करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसलिए नॉमिनल कोऑर्डिनेट की कोई टॉलरेंस नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, टॉलरेंस जो होती है वो कंप्लीट पोजीशन की होती है जो आपको यहाँ दी हुई मिलती है। डाउट नंबर दो, डाउट नंबर दो क्या है दोस्तों, कई लोग कई बार ये सोचते हैं कि जो पोजीशन तो कैलकुलेट पॉइंट प्लस माइनस कितने में दी हुई है, तो मैं उनको बता दूं कि जो टॉलरेंस दी हुई होती है पोजीशन की वो कभी भी प्लस माइनस दोनों साइड नहीं होती है, हमेशा आपको यूनिलेटरल टॉलरेंस मिलेगी जो कि प्लस साइड ही मिलेगी। पोजीशन कभी भी माइनस साइड में कैलकुलेट नहीं निकलती है, पोजीशन हमेशा आपकी प्लस साइड में ही कैलकुलेट होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये दो डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब जो तीसरा डाउट बचता है दोस्तों, इंटरव्यू आप देने जाते हो तो उसमें पोजीशन फॉर्मूला हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, 90% चांस आपको कि पोजीशन फॉर्मूला पूछे जाएंगे, और उसमें क्या होता है कि ये कई बार लोग प्लस माइनस में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो ये है ये प्लस ही आएगा। ठीक है, अब लोग जब आप फॉर्मूला बता तो देते हो, आपको पता है तो आप बता दोगे, ठीक है कि ये प्लस माइनस आप सही बता दोगे। ठीक है, लेकिन आपसे सामने वाला क्वेश्चन करें कि यहाँ पर प्लस ही क्यों आएगा, माइनस क्यों नहीं आएगा, तो मैं बता दूँ। चलिए अब मैं यहाँ पर ले चलता हूँ। ठीक है, सपोज करो आप यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर रहे हो। ठीक है, यहाँ भी माइनस किया तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पे माइनस कर दिया तो अब आप देखो 0.013 माइनस 0.039। अब आप जब 0.00313 में से 0.0039 को माइनस करोगे तो आपका ये आएगा 0.0029। ठीक है, अब आप माइनस 0.0029 का अंडर रूट करोगे तो आपका अंडर रूट नहीं होता है। ठीक है, किसी भी नेगेटिव संख्या का अंडर रूट नहीं निकलता है, इसलिए ऑलवेज यहाँ पर आपका प्लस का निशान ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाँ तीसरी बात ये है, ये जो आपके जो कोऑर्डिनेट होते हैं इनकी टॉलरेंस नहीं होती है, लेकिन जो ये है ये आपके प्लस माइनस में जरूर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 21.4 मांगा हुआ है, हो सकता है यहाँ पर 21.38 आ जाए, यानी कि माइनस में आ जाए। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये प्लस में ही आए, हमेशा माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा पोजीशन फॉर्मूला। अगर कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर करना दोस्तों, कंटेंट बनाने में बहुत समय लगता है। ठीक है, अगर आपका एक लाइक मोटिवेशन जरूर मिलता है यार। चलिए अब बात करते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट पे। ठीक है, सबसे पहले कई बार डाउट भी ये भी होता है कि जब आप करेक्शन करवाने जाते हो तो एज पर मशीन कोऑर्डिनेट अलग होते हैं और सीएम के कोऑर्डिनेट जो कि अलग होते हैं, है ना। आप सीएम रिपोर्ट लेके जाओगे प्रोडक्शन वाले बंदे के पास तो क्या कहेगा कि भाई मेरे तो एक्स वाई में कोऑर्डिनेट हैं और आपने यहाँ पर जेड एक्स में कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर रखे हैं। तो वो क्या है, जब आप किसी सीएमएम पे पार्ट का अलाइनमेंट करते हो, अगर आपने फ्रंट व्यू में अलाइनमेंट किया है पार्ट को सामने रख के फ्रंट व्यू में आपने अलाइनमेंट किया है तो आपका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आपको जेड और एक्स में कैलकुलेट होंगे। ठीक है, अगर आपने पार्ट का साइड व्यू से अलाइनमेंट किया है तो जो आपके कोऑर्डिनेट आएंगे वो आपके वाई और जेड में आएंगे साइड व्यू से। ठीक है, अगर आपने पार्ट को टॉप व्यू से अलाइनमेंट किया है तो जो आपके कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स और वाई से। ये डिपेंड करता है कि आप सीएमएम में अलाइनमेंट किस प्रकार से करते हो। ठीक है दोस्तों, तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको सोल्व करके कमेंट सेक्शन बताना है कि इसकी पोजीशन कितनी आई है, पोजीशन कितनी आई है और ओवर साइज कितना है। ठीक है, यहाँ पर नॉमिनल कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1.6, टॉलरेंस 0.1 की दी हुई है और एक्चुअल आ रहा है 1.653। इसी तरह वाई में जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 24.00 और आपका जो एक्चुअल आ रहा है 24.067। ठीक है, आपको पोजीशन फॉर्मूला से हेल्प करके आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है कि पोजीशन कितनी आई है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों एक बात और है, जब भी आप पोजीशन फॉर्म कैलकुलेट करते हो तो सब आप सीएम की हेल्प लेते हो। ठीक है, बाय चांस अगर मान लीजिए आपके पास सीएम का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, मैनुअली कैलकुलेट करोगे। ठीक है, आपको मैनुअली कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको पार्ट को 90 डिग्री पे सेट करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप पार्ट को 90 डिग्री पे सेट करोगे, क्यों करोगे 90 डिग्री पे सेट, क्योंकि जो आपका नॉमिनल कोऑर्डिनेट तो आपको दिया हुआ मिलेगा, लेकिन आपको जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट जो फाइंड आउट करना है वो आप तभी कर पाओगे जब आप पार्ट को 90 डिग्री पे सेट करोगे। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ पार्ट के डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि आप पार्ट को 90 डिग्री पे सेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको उस केस में आपको सीएम की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये उस केस में है जब आप मान लीजिए किसी कंपोनेंट आपका इजी कंपोनेंट है, डिज़ाइन सिंपल है और आप उसको इजीली 90 डिग्री पे सेट कर रहे हो। ठीक है,
तो उस केस में आप पोजिशन फॉर्मूला अप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कंसंट्रेशन की। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन इज टॉलरेंस दैट कंट्रोल द सेंटर एक्सिस, यानी कि कंसंट्रेशन जो है वो सेंटर को कंट्रोल करती है, और सेंटर किसका होता है? सेंटर ऑलवेज सर्कल का होता है। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हो कि किसी सर्कल के सेंटर को कंट्रोल करता है कंसंट्रेशन। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ए डेटम, किसी डेटम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसका सिंबल होता है इस तरीके का। ठीक है, ये आपका सिंबल हो गया। अब बात करते हैं कि आप कंसंट्रेशन को किस कंडीशन में आप मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि जब भी आप कंसंट्रेशन मेजर कर रहे हो तो दो या दो से अधिक सर्कल का सेंटर जो है वो एक होना चाहिए। ठीक है, दो सर्कल या दो से ज़्यादा सर्कल जो है उनका सेंटर पॉइंट जो है वो एक होना चाहिए। ठीक है, सपोज करो ये कोई आपके पास होलो शाफ्ट है। ठीक है, जिसके पास दो डायमीटर है, एक 50 mm और दूसरा 20 mm। ठीक है, अब इसका सेंटर पॉइंट जो है वो ये है, ये जो आपको सेंटर लाइन दिख रही है ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, जो कि दोनों का सेंटर पॉइंट एक ही है। अब आपको ये कह रहा है कि 20 mm का जो सर्कल है इसकी कंसंट्रेशन मेजर करनी है। ये सिंबल दे दिया और टॉलरेंस दे दी 0.05 mm की। जो ये रेड लाइन है ऊपर नीचे, ये इसका टॉलरेंस जोन हो गया। ठीक है, यानी कि जो सर्कल का जो सेंटर है वो इन दोनों रेड लाइन के बीच में लाई करना चाहिए, यानी कि टॉलरेंस के अंदर होना चाहिए। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डेटम जेड। अब डेटम जेड क्या है? ये। ठीक है, यानी कि इस सर्कल को जीरो मान के आपको इसकी कंसंट्रेशन मेजरमेंट करनी है। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। ये मान लीजिए आपके पास कोई बियरिंग है। बियरिंग तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, तो बियरिंग है उसमें क्या होता है, एक आईडी होती है और एक ओडी होती है। ठीक है, और बीच में क्या होता है, उसमें छोटे छोटे रिंग होते हैं, बॉल्स होती है। ठीक है, बहुत सारी। तो उसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आईडी जो ये बड़ा डायमीटर है, इनर डायमीटर, इसको आईडी बोलते हैं, कंसंट्रेशन मेजर करनी है विद रेस्पेक्ट टू 0.1 की टॉलरेंस है और विद रेस्पेक्ट टू डेटम ए में। ठीक है, डेटम ए को रेफरेंस मान के। तो डेटम ए क्या है? डेटम ए आपकी ये ओडी हो गई। ठीक है, बाहर यानी कि आउटर डायमीटर। तो आउटर डायमीटर को जीरो मान के इसकी कंसंट्रेशन मेजर करनी है। तो मैनुअली भी मेजरमेंट कर सकते हो आप इसको, डीवी वर्नियर की सहायता से आप इसको 5 या 6 जगह से आप इसको मेजरमेंट करोगे वॉल थिकनेस का। और जो आपका जो मैक्सिमम आएगा, सपोज करो आपका मैक्सिमम आया 5.72 और मिनिमम आया 5.62, दोनों को माइनस करोगे 0.1। ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वो हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आप इसको मैनुअली भी मेजरमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके कंसंट्रेशन फॉर्मूला की। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, पोजिशन फॉर्मूला भी और कंसंट्रेशन फॉर्मूला भी। ठीक है, सपोज करो अब समझते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, सपोज करो ये आपके पास कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, ये भी किसी एक्चुअल सेम रिपोर्ट का एग्जाम्पल है जिसमें नॉमिनल कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, टॉलरेंस दी हुई है और एक्चुअल कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, तो नॉमिनल जो कोऑर्डिनेट है वो 0.0 है जेड में और एक्स में, ये टॉलरेंस दे दी आपको 0.1 mm की। और जो आपको एक्चुअल कोऑर्डिनेट जो आपको कैलकुलेट करके आए हैं विद रिस्पेक्ट टू सीएम, आपने सीएम से कैलकुलेट किया है इनको, तो जो आपने आए हैं कोऑर्डिनेट वो आए हैं 0.0 के अगेंस्ट में 0.015 माइनस में, और 0.0 जो एक्स में है इसके अगेंस्ट में आया है प्लस 0.008। ठीक है, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कंसंट्रेशन कितनी आई है और आपको सेम पोजिशन फॉर्मूला दोस्तों अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। हमने अभी तक समझ लिया है कि GDNT क्या होता है, बेसिक चीज़ें हमने GDNT समझ ली है। उसके बाद हमने अभी पोजिशन फॉर्मूला, ठीक है, और कंसंट्रेशन फॉर्मूला को भी समझ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सर्कुलरिटी और रनआउट में क्या डिफरेंस होता है, और सिलेंड्रिसिटी, ये सिंबल हो गया सिलेंड्रिसिटी का, सिलेंड्रिसिटी और टोटल रनआउट, ये टोटल रनआउट का सिंबल हो गया इस तरह का। ठीक है, हम समझने वाले हैं कि सर्कुलरिटी और रनआउट में क्या डिफरेंस हो गया, और सिलेंड्रिसिटी और टोटल रनआउट में क्या डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।